सो गाइज, हमारे नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं हूं आपका अपना मित्र रोहित मौर्य। और आज का ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि मैं जा रहा हूं दिल्ली, और दिल्ली में जाऊंगा वो भी बस से। बस से मतलब सोच के थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि मैं जितना ही बसों से दूर भागता हूँ ट्रैवलिंग में, इवन मुझे पटना जाना होता है तो बस से पहले ट्रेन प्रेफर करता हूँ। मुझे अगर 20 किलोमीटर भी जाना हो तो मैं बस को पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे बस में अजीब सा सफोकेशन टाइप होने लगता है। तो आज ऐसा कुछ कंडीशन है कि मुझे अचानक से निकलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जाना है उत्तराखंड, और उत्तराखंड मुझे कुछ अपने जॉब से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स का कुछ काम फंसा हुआ था, उसी के रिगार्डिंग मुझे जाना है। तो ट्रेन का टिकट नहीं मिला तो मैं बस से ही दिल्ली जा रहा हूँ, और दिल्ली एक दिन स्टे करके मैं फिर निकलूँगा उत्तराखंड के लिए। तो यार जल्दी से जल्दी तैयार होते हैं। धूप कुछ ज़्यादा ही है और धूप में निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन जल्दी से जल्दी पहुंचना है बस स्टैंड। बस स्टैंड में ड्रॉप करने के लिए जाएंगे हमें आशीष राज। Few moments later. Hi friend, chai pi lo. यहाँ पे मिलेंगे लंबू देव, जो यहाँ पे है। सही रहा है लंबू। लंबू जो हमारे यहाँ से कंपेनियन होंगे, हमारे साथ होंगे ड्राइवर साहब। ये है छोटा सा पेट्रोल पंप और ये है बड़ा सा बस, जिससे हम लोग दिल्ली के लिए जा रहे हैं। अच्छा, समझवादी लोग लेफ्ट है। ठीक वो ठीक है, आके हमें ड्रॉप किया, बहुत अच्छा लगा। खुश रहो भाई, कुछ काम नहीं किया। See you. ठीक से चाहिए क्या, कुछ दिन तक खाई हम। ठीक है ठीक है, खिड़की बाहर हाथ मत निकल गया। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत बहुत इस खिड़की से बाहर हाथ नहीं निकलना है। बाय। शकल थोड़ा सा लंगड़ा आम से मिलता जुलता है। हेलो, ये जो बेहुदा है हमको बोला कि खूब कंफर्टेबली हम लोग बस में बैठ के जाएंगे। देखिए इसका कंफर्ट जोन, देखिए शरीर ले लिया है तार के तरफ, पैर देखिए कैसे निकाला है बाहर, और सही से बेचारा बैठ भी नहीं पा रहा है। ये है इसका कंफर्ट। आपको एक चेतावनी देना चाहेंगे कि अगली बार से इस टाइप का कहीं फ्रॉड आपको दिखे तो इस तरह के फ्रॉड लोगों से आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिएगा। और ये रहा बाहर का व्यू थोड़ा सा, ये बस से ट्रेवल करने का हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस। अगर पहुँच चुके हैं कुशनगर आने वाला है थोड़ी देर में, और वो भी जा भी टाइम हो रहा है, 5 बज रहा है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं एक पेट्रोल पंप पे। और काम क्या है? पर पेशाब करना। तो यहाँ से हम लोग एंड हेयर यू ऑल कैन से अर्पित राय अपना कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए हैं, और कार्यक्रम प्रारंभ करने के पश्चात चैन चढ़ाते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ बस रुकी हुई है हाईवे पे, और इस हाईवे से होके फिर हम लोग एक दो घंटे में गोरखपुर तक पहुंचेंगे, और उसके बाद रात में खाना वाना खा के सोएंगे मस्त। उसके बाद सुबह जब नींद खुलेगा तो हम लोग ग्रेटर नोएडा में मिलेंगे। और फिलहाल आप लोग के सामने ये जो गाड़ी का माहौल है कुछ ऐसा है, सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए हैं और सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ से बड़े बड़े बिल्डिंगों की शुरुआत हो जाती है, तो समझ लीजिए कि हम ग्रेटर नोएडा में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। 8:30
स्टार्ट होने को है और यहाँ से हमें पहुँचने में अप्रोक्स 30 मिनट्स और लगेंगे। ये जो दिख रहा है ना, ये है बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट। यहाँ पे 2-3 साल पहले, जहाँ तक मुझे याद है, यहाँ पे Formula 1 रेस हुआ था। तो मित्रों, बस से उतर के अब हम लोग अपने सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ हम लोग स्टे करने वाले हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं फ्लैट पे और यहाँ वेब सीरीज बनने की तैयारी में है, और आपको मिलाते हैं यहाँ पे जो जो किरदार है उनसे। बहुत इंतजार। तो जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया, मैं पहुँच गया यहाँ फ्लैट पे दोस्त के, और यहाँ पे मैं Nimbus 2 में यहाँ ठहरा हुआ हूँ, ग्रेटर नोएडा। तो बारी है थोड़ा सा आपको बाहर का व्यूज़ दिखाने का, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 10 बजने वाला है और हमको जल्दी से नहा के और फिर मंदिर भी जाना है, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है। तो चलिए, तो बाहर के व्यू का आनंद लीजिए। क्योंकि ये कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है यहाँ पर, ये अपार्टमेंट है, नीचे यहाँ गाड़ी का पार्किंग है, और इधर से होके मेन गेट जो है हमारा यहाँ से दिखता है, यही है बाहर है कुछ व्यू। और यहाँ आपको एक मोर दिखाई दे रहा होगा। तो फिलहाल का सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग मंदिर से पूजा करके और जा रहे हैं, और यहाँ मैं हूँ, ये अर्पित राय हैं जो हाथ में लोटा लिए हुए हैं, और यहाँ टीका लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि पूजा पाठ हो चुका है, क्योंकि यार सावन का पहला सोमवार था। शंकर जी के ऊपर बिना जल अर्पित किए अर्पित जी मानने वाले कहाँ थे, तो सोचे कि हम लोग जल अर्पण करके उसके बाद आज का अपना दिन का क्रियाकलाप शुरू करेंगे। और यहाँ लिफ्ट का इंतजार हो रहा है। वेब सीरीज में आ जाओ। ये हमारे मित्र हैं, ये मेरे वेब सीरीज में आना चाहते हैं। इनका बाल तो देखिए, और ये अल्टो पर्वत है, और ये लगड़ा आम। लगड़ा आम इसको क्यों बोलता है? क्योंकि इसका शकल लगड़ा आम से मिलता जुलता है। कौन सा शकल? वही जिसके उस पर कुछ अजीब सा बाल है। अजीब सा बाल नहीं, दाढ़ी बोलते उसको। रेस्टोरेंट में खाने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि भूख बहुत जोर से लगा है। तो पहले पेट पूजा, उसके बाद दूसरा पूजा, क्योंकि एक पूजा तो हो चुका है। और ये भूखे नंगों की तरह खा रहे हैं लोग, जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतजार था, और काफ़ी लंबे समय बाद, लगभग 1 घंटे इंतजार करने के बाद आया। तो खाना पीने के बाद चलिए, अब वीडियो को एंड करने का समय आ गया है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए और दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।